पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर लिया है? कहते हैं पुरुषार्थ करो। क्या करो? पुरुषार्थ करो। जैसे माता पिता बालक को क्या सौंपते हैं? पूंजी देते हैं, और फिर अपने परिश्रम अपने पुरुषार्थ से वो क्या करता है, उसको और अधिक बढ़ाता है, और अधिक बढ़ा करके सुख सुखी और सम्मानित अनुभव करता है ना, और सब कुछ चौपट कर दे तो फिर दुख और असम्मान ही प्राप्त होता है। तो वैसे ही आचार्य के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, जिसके द्वारा संशय विपर्यय रहित क्या हो गया है, परोक्ष ज्ञान हो गया। क्या हो गया? किससे प्राप्त हुआ? आचार्य। अब क्या करना चाहिए? जो प्राप्त ज्ञान है उसका निरंतर चिंतन अभ्यास के द्वारा ऐसी बुद्धि ऐसी प्रज्ञा बना लेनी चाहिए कि वह जो नित्य मुक्त सच्चिदानंद अखंडानंद अद्वितीय परम ब्रह्म है वह मैं हूँ। इस प्रकार की प्रज्ञा, यही श्रवण किया है आचार्य के द्वारा, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, यही श्रवण किया है ना कि तू क्या है, तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, चेतन है, ये श्रवण किया है। तो उसका अब इसने अभ्यास किया है, और ऐसी अभ्यास चिंतन के द्वारा ये प्रज्ञा बना ली है कि वह निराकार निरवयव निर्विकार शुद्ध सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार की प्रज्ञा हो गई है, हाँ, तो उसके लिए क्या किया, पुरुषार्थ करना पड़ा है ना। तो वहाँ यहाँ भी पुरुषार्थ की बात की, जैसे अग्नि प्रकट करते हैं ना, क्या करते हैं, अरणि मंथन से अग्नि प्रकट करते हैं, इसी प्रकार से निरंतर चिंतन निरंतर विचार मनन ध्यान यही कि वह ब्रह्म मैं हूँ, इसके द्वारा क्या होती है, उदित जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, तो यहाँ पर भी ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है, वह ब्रह्म मैं हूँ, और इसके द्वारा संपूर्ण अज्ञान ईंधन भस्मीभूत हो जाता है। पुरुषार्थ किया है ना, क्या किया है, ध्यान किया है, मनन किया है, चिंतन निरंतर, पीछे सुनाए थे आप, एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मास्मीति वासना, ब्रह्माहमिति वासना,
निरंतराभ्यस्त, निरंतर अभ्यास है ना। तो ये वासना, ये भावना, ये बुद्धि दृढ़ है कि वह ब्रह्माहम इति, मैं ब्रह्म हूं, ये दृढ़ हो गई। पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर दृष्टांत दिया है कि जैसे अरुण के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है और हमें सूर्य देव की क्या होती है, प्राप्ति होती है। वैसे ही निरंतर विचार एवं निरंतर विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा क्या हो गया है, अज्ञान रात्रि, अज्ञान अंधकार दूर हो गया है और अपनी आत्मा रूपी सूर्य प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त होता है, आत्मा रूपी जो सूर्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये स्पष्ट हो गया ना। अब आप लोग 44वां श्लोक देखें। आत्मा तो सततम् प्राप्ता अव्यप्राप्तवद विद्यया तन्नाशे प्राप्तवद् भाति स्वकंठाभरणं यथा। आत्मा तु सततम् प्राप्तः अपि अप्राप्तवद् अविद्यया तन्नाशे प्राप्तवद् भाति स्वकंठ आभरणं यथा। किसी व्यक्ति ने अपने कंठ में आभूषण धारण किया, कंठ में, गले में क्या पहना हुआ है, आभूषण पहना हुआ। अब सर्दी का समय तो कितने वस्त्र पहनने पड़ते हैं, हैं? तो बनियान पहना हुआ है, उसके ऊपर कुर्ता पहना हुआ है, उसके इनर पहनते हैं पहने, फिर जो है कुर्ता पहना हुआ है, फिर जो है स्वेटर पहना है, फिर उसके ऊपर कोट पहना है, हैं? कितने पहने हुए, और सबके नीचे क्या था, आभूषण। सबसे नीचे क्या पहना हुआ था, आभूषण, आभूषण पहना हुआ। अब उसकी बुद्धि में ऐसा भ्रम सा हो गया, क्या हुआ, भ्रम हो गया, ऐसा भ्रम हो गया कि मैंने तो स्नान से पहले वो आभूषण निकाला था और शायद मैंने पहना नहीं। और यूं हाथ लगाया क्या देखता है, तो उसको भान नहीं हुआ। अब बेचारा कितना दुखी है, कितना परेशान है, हैं? अब किसी को जब बहुत देर से परेशान हो रहा था, भाग दौड़ कर रहा था, नीचे झुक झुक करके ढूंढ रहा था, किसी को दिख गया पीछे से, हैं? अरे कहा भाई तू इतना परेशान हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, हैं? इतनी चिंता कर रहा है, वो आभूषण तो तूने पहना हुआ है, फिर देख ये दिख रहा है ना। फिर उसने हाँ देखा, सोरे हाँ सच में। तब क्या हुआ, श्वासों में जा करके श्वास आया, तब आया ना श्वास, उससे पहले तो क्या था, कितना चिंता, कितना दुख था, कितना परेशान था, नहीं? तो वैसे ही बता रहे हैं दृष्टांत, यथा जिस प्रकार से अपने कंठ में आभूषण पहना हुआ है, तो देखो कैसे आत्मा तू सततम् प्राप्तः, क्या है,
आत्मा तो निरंतर ही प्राप्त है, अपनी आत्मा निरंतर ही प्राप्त, क्योंकि सब कुछ तो आत्मा पर ही आरोपित है, टिका हुआ है, ठहरा हुआ है। यदि अधिष्ठान ना हो तो ये सब अन्य जो अध्यस्त है वो कहाँ ठहरे, कहाँ टिके, इनकी सत्ता हो ही नहीं सकती है ना, इनकी सत्ता हो ही नहीं सकती। तो आत्मा तो क्या है, निरंतर ही प्राप्त, उस आत्मा पर ही क्या है, जीवपना है, उस पर ही बुद्धि है, उस पर ही ये इंद्रिया और प्राण है, उस पर ही ये शरीर है, और उस पर ही ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच है। इस पर है, मैं पर, सब कुछ मैं पर टिका हुआ है ना। तो मैं भी दो है, एक जीव भाव वाली मैं जो कि औपाधिक है, सविशेष है और परिच्छिन्न है, और एक जो निरुपाधिक मैं है जो कि निर्विशेष है और जो कि व्यापक है, पूर्ण। उस पूर्ण के ऊपर जो निराकार निरुपाधिक जो मैं है, जो व्यापक है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ये जीव भाव टिका हो, ये वाली मैं कौन सी मैं, जीवत्व रूपी मैं, उसके ऊपर टिके हो, और फिर ये सब कुछ टिका हुआ है संसार। तो इस तरह तो ये जो अपनी आत्मा है ये तो क्या है, सततम प्राप्त, नित्य ही प्राप्त है, लेकिन आपकी बुद्धि उसको ना देख करके जो उपाधि है, अब जैसे सूर्य के प्रकाश में देख रहे हैं सबको, और प्रकाश को ना महत्व दे, सूर्य को महत्व ना दे, गाड़ी मकान ये वो इन चीजों को, जबकि इन सब की सत्ता महत्ता किससे, अब गाड़ी बहुत सुंदर है लेकिन किससे इसकी सुंदरता पता लग रही है, प्रकाश ना हो तो दिखेगा कौन सी गाड़ी है, सुंदर है सुंदर है कुछ पता लगेगा नेरे में कैसी है, हैं? तो सब उससे हुआ ना। तो वैसे ही आत्मा के प्रकाश से, चेतन के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित, बुद्धि भी, इंद्रिया प्राण शरीर सब कुछ अपने मैं से प्रकाशित, उसको देखता नहीं है, उसको देखता नहीं है, क्योंकि इतना बुद्धि स्थूल हो गई है, हैं? इनकी वासना से, दृश्य की वासना से क्या हो गई है, वासित हो करके बहिर्मुख हो गई है, मैं शरीर हूं, संसार सत्य है, हैं? आंख नाक कान इनको ही महत्व देता है, जो आंखों से दिखे वो सत्य, जो कानों से सुने वो सत्य, अब अपनी आत्मा तो क्या है, ना आंख से दिखता, ना कान से सुना जाता, ना रसना से स्पर्श उसको चखा जाता, ना त्वचा से स्पर्श किया जाता, इसका मतलब नहीं है क्या है? मन बुद्धि वहां पर जाते ना, ऋषि मुनि सिद्ध पार पाते ना, वाणी की गति बदलाते ना, ऋषि मुनि भी उसका पार नहीं पा पा, वाणी भी नहीं पहुंचती है, मन बुद्धि वहां पर नहीं जाते, वो क्या है, वो अपनी आत्मा। तो
निरंतर प्राप्त, देखो सततम प्राप्त, अपि अप्राप्तवद अविद्या, लेकिन अज्ञान के कारण से क्या होता है, अप्राप्तवद पासी है, दिख नहीं रहा है, तो क्या है, अरे कहाँ चला गया मेरा चश्मा, अरे कहाँ चला गया, मैंने वो रखा था यहाँ पर अपनी घड़ी नहीं रखे, पर जेब में रखा है, आँख पे लगा है जी, आँख पे लगा तब भी नहीं दिखाई, चश्मा तो कहना, देखो सेठ जी जो है ना बुड्ढे बुड्ढे पे अपना अनुभव भी बताया करेंगे, तो बुड्ढों का लाभ है ना, देखो कितना लाभ है, सेठ जी ने बता दिया कि चश्मा लगा हुआ है और फिर चश्मा ढूंढ रहे हैं, अविद्या अप्राप्त, प्राप्त है लेकिन जान नहीं पाए, न जानने से अज्ञान के कारण से प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त हो गया ना। किसी के घर में बहुत धन रखा है, स्वयं ही रखा था और भूल गया, जब समय खराब हो तो घर में क्या है, सामने रखा रखा नहीं दिखता है, नहीं सामने रखा हुआ है अलमारी में है, खूब खोल रहा है, उसी को उलट पलट भी रहा है, खुद ही उलट पलट रहा है, रखा तो यही था कहाँ गया, और सामने है पर कितना दुखी है कि धन कहाँ चला गया, कैसे काम चलेगा, मैं तो बहुत निर्धन, मैं तो लूट गया, कहाँ कहाँ खो गया, किसने किसने चुरा लिया, किसने उठा लिया, होता है ना ऐसे, फिर वही मिल जा, सामने ही था वो तो, अरे मेरी तो बुद्धि मारी गई थी, तो अविद्या महत्व किसका है, जानने का ही तो महत्व है, जान लिया तो जानने के तो महत्व है ना, जानना और न जानना, जानने पर प्राप्त ही है, और न यदि जानते हैं, अरे आपको प्रधानमंत्री से मिलना था, वो तो आपके सामने खड़े थे, अच्छा ये अरे वही थे क्या, अरे नहीं जी, नहीं जानने से ना, नहीं जानने जिनसे मिलने आप गए थे हैं, कई बार होता है ना किसी बात, ये तो हुआ राजा रहुगण को कौन मिल गए, कपिल जी के पास गए और अष्टावक्र जी जड़ भारत यार बड़ा वो रहता है मेरे को ना, इन चीजों में नाम वाम का ऐसी रहता है, तो जड़ भारत जी मिल गए, अब वो नहीं जानते हैं, महिमा तो सुनी ही होगी लेकिन ये जानते नहीं है कि ये जड़ भारत, तो वैसे ही ऐसा बहुत बार हो जाता है, जिनसे मिलना था वो सामने ही था, उससे मिले, इसके साथ बैठे खाया पिया, अरे उनसे मिलने आए थे, उनसे तो मिलवा दो कम से कम, अरे वो जो आपके साथ बैठ रहे थे, बात कर रहे थे, आपसे पूछ रहे थे, वो ही तो थे, अच्छा आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो भेद क्या है, जानना और न जानना, तो वैसे आप जान लो तो आप आत्मा हो, और नहीं जानते तो आप अपने को जीव और शरीर ये मानते हैं, नहीं जानते तो इतना ही, तो नहीं जानने से 84 है और जानने से 84 से मुक्ति है, नहीं जानने से जन्म मरण है, किसका, अजन्मा का, नहीं जानने से, और जानते ही मेरे तो कभी जन्म हुआ ही नहीं, विधि की मृत्यु होती ही नहीं, मैं तो नित्य ही सच्चिदानंद नित्य ही मुक्त स्वरूप, जानने से, जब तक नहीं जानोगे तब तक बारंबार जन्मोगे बारंबार मरोगे, जब तक नहीं जानोगे, और जब जान लोगे तब जन्मना मरना तो दूर, ये जानोगे कभी जन्म हुआ ही नहीं, कभी मृत्यु हुई ही नहीं,
तो स्व को स्व के अज्ञान से स्वप्न मुझे भासने लगा। स्वप्न भासता है ना, स्वप्न में जन्म मरण भासता है ना, क्यों जी? जी जी हुआ कुछ न? हुआ क्या? नहीं। बिना हुए ही सत्य भासता है, झूठा भासता है? सत्य भासता है, ये झूठा भासता है सपने में, सच्चा भासता है। बिना हुए केवल अज्ञान, केवल अज्ञान से, केवल न जानने से जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि सब भासने लग जाते। सत्यवद और जानने से जानता है मुझ एक अद्वितीय जो केवल है, उससे बिन अन्य की ना कहीं जगत है, ना कहीं शरीर है, ना कहीं लोक परलोक है, ना कहीं जीव भाव है, ना कहीं जन्म मरण है, बस मैं ही। तो ये महिमा सब, ये तो ज्ञान की महिमा है जो परमात्मा को परमात्मा से मिला दे, और ये अज्ञान की माया की महिमा है कि बिना हुआ जो दृश्य जगत है और शरीर आपका जन्म और सुख दुख ये आप अनुभव करते हैं। ये महिमा किसकी है? ये अज्ञान की। और ज्ञान के द्वारा ये माया का जो असीम अपार सागर है क्षण भर में सूख जाता। ज्ञान का मंत्र दिया, मंत्र देते ही जैसे गुरुजी से मंत्र सुना, मंत्र देते हैं ना तो मंत्र का मतलब यही तो है, क्या है? मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरुदेव के जो वाक्य है ना, जो क्या करते हैं अज्ञान को मिटाने वाले, नाश करने वाले, वही क्या है? वही मंत्र है। क्या है? मंत्र। तो जैसे ही ये सुना कि तू आत्मा है, ब्रह्म है, जैसे ही ज्ञान हुआ, इस ज्ञान से ये जो संसार सागर है ना, माया का सागर, तुरंत सूख जाए। फिर ना कभी जन्म, ना कभी मृत्यु, कभी जन्म मृत्यु हुआ ही नहीं, आप तो सदा ही मुक्त हैं। इसी को कहते हैं अविद्या अप्राप्तवद भाति। क्या होते हैं? अविद्या के कारण से, न जानने के कारण से क्या होता है? अप्राप्तवत परमात्मा प्राप्त, परमात्मा को पाना है। क्या करना है? निश्चल दास जी महाराज ने ये तो कहा, बोध चाहि जाको सुकृति, जानना चाहते हैं किसको? जिसको, जिस परमात्मा को साधक लोग क्या करते हैं? सुंदर सुंदर कर्म करते हैं, सुंदर सुंदर विचार करते हैं, हैं, सत्संग करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जिस परमात्मा को जानने के लिए, सुमेरो आत्मा, वो क्या है? मेरा अपना आपा है। हम उसको पाने के लिए, उसको पाने के लिए क्या करूं? जोड़ो है? जैसे पहले लोग जाते थे ना गंगा स्नान के लिए या तीर्थ यात्रा आदि के लिए, तो ताम झाम इकट्ठा करेंगे दुनिया भर का, कई दिनों तक वहां पर कल्पवास करना है, हैं, ताम झाम करेंगे ना, तब जाके पहुंचेंगे, पाएंगे। और परमात्मा को पाना कहना घर बैठे, परमात्मा कहाँ पा जाता है? घर बैठे बैठे पा जाता है, क्यों? तो प्राप्ति ही है।
परमात्मा तो पाया हुआ ये बिछड़ा ही नहीं कभी, अपना आत्मा अपना आपा लेकिन यही है अविद्या अप्राप्तवत, अज्ञान के कारण से अप्राप्त के समान है। आत्मा तो सततम् प्राप्तः, असली गांठ खोली, दिखाते रहे दिखाते रहे, अब असली गांठ तब खोली, असली गांठ क्या खोली है, पर असली गांठ तभी खोल, समय होता है हर चीज को खोलने का, नहीं शुरू में ही बढ़िया चीज दिखा दो ना तो उसको आप बढ़िया नहीं मानोगे, इसलिए पहले शुरू में क्या दिखाओ, सेठ जी जानते हैं, पहले सामान्य श्रेणी के वो दिखाने पड़ेंगे ना कपड़े, ये प्राप्त नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं, फिर वो जब हाँ ये ठीक है और शुरू में वो दिखा दो तो, और लास्ट में कबाड़ा दिखाओ, वो कबाड़े को पसंद करेंगे तो नहीं, नहीं? बुद्धि की कमी है ना तो कबाड़े को पसंद कर लेंगे, ऐसा करेंगे ना, तो इसलिए पहले तो कहा ये करो, क्या करो, पहले तो भाई यज्ञ करो, जप करो, ध्यान करो, ऐसे करो, विवेक करो, वैराग्य करो, हैं मुमुक्षुता करो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, एकांत में बैठ करके, हैं जो श्रवण करके दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया, एकांत में बैठ के निरंतर चिंतन करो कि वह ब्रह्म मैं हूँ, नित्य मुक्त सच्चिदानंद, ऐसा विचार करो, अभ्यास करो, ऐसा दृढ़ हो जाए निश्चय, हैं तब फिर क्या है, तब अज्ञान का ज्ञान से नाश हो जाएगा और अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे सूर्य प्राप्त हो जाता है। इतना सब कुछ बताया, अब लास्ट में वो तो सब बताया करने के लिए, अब सही बात बोल दी, आत्मा तू, अरे तू जिसको पाना चाहता था सततम प्राप्त, नित्य प्राप्त था परमात्मा को की पाना, रबदा की पाना, और ये तो आपकी उसने बताया, इत्थो पुटना तो उत्थो लाना है ना, और बुढ़िया से पूछा कि दादी भगवान को पाना चाहता हूँ, कहने लगी बेटा आत्मा सो परमात्मा, क्या आत्मा ही, ये पूरा ज्ञान गहरा ज्ञान दे दिया ना, पर ये ज्ञान तब दिया जाता है जब पहले आत्मा को तो जाने, और आत्मा को अभी आत्मा का ही नहीं पता तो परमात्मा कैसे पता लगे, और आत्मा को जानने के लिए पहले अनात्मा को जाने, और अनात्मा को जान के सारे अनात्मा को उसमें जो अहमता ममता है उसको छोड़ें, अनात्मा का अस्तित्व क्या हो जाए, मिथ्या हो जाए, स्वप्न के समान, तब जाके आत्मा पता लगता है, तब जानता है कि आत्मा सो, तब लास्ट में बताएंगे ना ये बात, इतना सब कुछ मेहनत क्या, इतनी मेहनत क्यों कराएंगे, इतनी मेहनत के बिना कुछ समझ में आना ही नहीं था, ये कसरत करानी तो जरूरी है, है बिना कुछ किए धरे बच्चों को दे दो ना कुछ करोड़ दे दो, जानता है मात तो है, और मेहनत करके 100 रुपये भी कमाता है ना, तो क्यों जी सेठ जी, बिल्कुल तब जानता है ना, वैसे तो ये सब कुछ करके ही जान पाते, इसके बिना तो आप कभी जान पाते क्या, क्योंकि आपको आत्मा का ही नहीं पता, अभी अनात्मा से ही जो आपका मैं मेरा है, जिसको चित्त है, वो धसा फसा पड़ा है अनात्मा में, जान सकता था, नहीं जान सकता, तो अब असली बात खोली है, आत्मा तू सततम प्राप्त अप्राप्तवद अविद्याया, अविद्या के कारण से अप्राप्त सा लगता था, जबकि क्या है, हाँ जी सेठ जी भगवान को पाना है, इस ज्ञान से ही तो सहज है और इस ज्ञान के द्वारा ही संभव है, बाकी भगवानों को पाने के लिए करते रहो जब तब, चित्त शुद्धि के लिए तो ठीक है, चित्त शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है,
क्या सुना है? वस्तु सिद्धि विचारेणा ना किंचित कर्म कोटि भी, विवेक चूड़ामणि में सुना है ना। कर्म और उपासना जो है वो किसके लिए? चित्त से शुद्ध है, चित्त की शुद्धि के लिए। न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु की उपलब्धि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म और उपासना नहीं है, केवल चित्त शुद्धि के लिए। वस्तु सिद्धि विचारेणा, वस्तु की तत्व की परमात्मा की प्राप्ति तो विचार से होगी, क्योंकि विचार से अविचार हट जाएगा, अज्ञान हट जाएगा, मिल गया। इस तरह है परमात्मा को पा लिया है क्योंकि वो प्राप्त ही। तन्नाशे प्राप्त वदवाते स्वकंठाभरणम यथा, अपने कंठ में जो आभूषण धारण किया हुआ है न जानने से क्या हो गया था? अप्राप्त हो गया। और जानते ही तो अपने गले में तो पड़ा हुआ है, प्राप्त पहले से ही प्राप्त। वैसी अविद्या से परमात्मा प्राप्त होते हुए भी क्या हो गया था? अप्राप्त के समान हो गया। लेकिन ज्ञानेना तन्नाशे, ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश हो जाने से, इसका नाश हुआ, नाश हो जाने से क्या होता है? स्वकंठाभरणम यथा, प्राप्तवद हो जाता है, प्राप्त सा हो गया। क्या प्राप्त हो गया? परमात्मा को पा लिया। पाने की चीज है क्या परमात्मा? परमात्मा से कभी वियोग हुआ क्या? बिछो हुआ क्या? बिछुड़ना हुआ कभी परमात्मा से? संभव है क्या? संभव है? संभव ही नहीं है। किसी के तो गया नहीं, गया कहाँ? स्त्री तो अभी भी खत्म ही है, बिछा हुआ है। ये तो पांच तत्व का पुतला है। और अपने कर्म संस्कार वासना से प्रारब्ध भोग के लिए ये चल फिर रहा है, तो पुतला सब ही है ना। ये तो अभी भी सब ही है, इसमें लगे हुए, गाड़ी में जैसे लगे लाइट वाइट ऐसे सब इसमें लगे हुए, इंद्रिया प्राण अंतःकरण, तो ये सब इन सब का संघात किससे? अब जैसे मकान है, ये संघात है ना जी, लकड़ी रेत ईंट पत्थर लोहा, उसका क्या है संघात? उम्र है इसकी, उम्र है ना, क्या हो जाएगा? बिना तोड़े भी खंडन हो जाएगा, है ना जी। वैसे ही है, अंतःकरण इंद्रिया प्राण और ये स्थूल देह, इनका जो संघात है, ये इसकी भी क्या है? सीमा है। कारीगर ने बनाया घड़ा कितने दिन रहेगा? लिख दिया कितने साल की तो वारंटी है, पर इस घड़े की कोई वारंटी नहीं है, है? चल जाए तो बताना, चाइनीज माल बताया था आप, चल जाए तो 100 साल चल जाए चल, और अभी 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 के अभी तुरंत खराब हो गया, हाथ में लेते हैं, पैसा है शरीर है इस तरह, समझ आई बात? हाँ जी, नींद आ रही है या कहीं और है? तो देखिए ये स्पष्ट हो गया है ना, आगे वाला देख लीजिए जी। 45वां स्थानो पुरुषवद भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। स्थानो पुरुषवद भ्रांत्या कृतः ब्रह्मणि जीवता जीवस्य
तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते स्थाणु पुरुषवद भ्रांत। स्थाणु है ठूंट, ठूंट में क्या हो गई है पुरुष की भ्रांति। दृष्टि दोष से मंद प्रकाश से क्या हुआ, संध्या का समय हो गया है। अब जो है व्यक्ति दूर गया था, धन कमा के लाया बहुत समय पश्चात, बहुत दूर गया, बहुत परिश्रम किया, बहुत धन संग्रह किया। आजकल तो सब कुछ सहज मिल जाता है, सहज है सब कुछ, कमरा बंद करके और मोबाइल पे या इन पे पता नहीं, इन पे ही पैसे कमा लेते दुनिया भर के, नहीं क्यों जी, घर बैठे बैठे और जेब में ढेला नहीं आया और बन गया करोड़पति है। आजकल तो ऐसा है ना कि पता नहीं कहाँ तो चला, कहाँ किससे आया और कहाँ रखा हुआ है, पता है क्या, कुछ कुछ भी नहीं जेब में है, और है क्या, करोड़ रुपए कमाए हैं, नहीं कमाए हैं अभी आज ही, किसकी जेब, किस किसकी जेब से निकले थे, प्रधानमंत्री की जेब से निकले, सरकार की जेब से निकले, या किसी और सेठ की जेब, ना किसी की जेब से निकले, क्यों सेठ जैसे ही चलता है ना आजकल तो। हाँ अब ये चीजें हम लोगों की समझ में ही ना आवे, ये शेयर मार्केट ये वो पता नहीं क्या क्या है, तुम में ऐसे ही तो है ना शायद, आजकल तो मोबाइल में बैठे बैठे, लैपटॉप पे और कमरे में बैठे बैठे, पहले ऐसे नहीं था, झोला भरते थे पहले तो, झोला भर के और गड्डियां लगी हुई है 500-500 की है, चांदी के सिक्के खच्चरों पे आते हैं जी, चांदी के सिक्के पहाड़ से खच्चरों पे भर के, हाँ देख लो नोटिंग, सेठ जी जो है खच्चरों पे भर के लाए चांदी के सिक्के पहाड़ों से, ऐसे ऐसे मजे रहे तभी तो हम सेठ जी कहते हैं, ऐसी थोड़ा है। हाँ जी ये भी था, देखो ये सब जमाने रहे हैं ना, यही होते थे पहले, कि खच्चरों पर भर भर करके स्वर्ण मुद्राए है, ये रजत मुद्राए भर भर के लाते थे, उनको संभाल संभाल कर रखते थे, खड्डा खोद खोद करके है, यही थे सब चीजें। तो ऐसा था, चलो दृष्टांत देना हमें, फिर दृष्टांत भी बह जाते हैं। तो एक व्यक्ति खूब धन कमा के लाया है, और साधन वैसे थोड़ा होते थे आजकल की तरह कि बेटा फोन कर दे गाड़ी लेके आ जाना, 5-7 गाड़ी पहुंच गई स्टेशन पर, ऐसे थोड़ा है, अब तो पैदल पैदल पगडंडी पर लाएगा, घर में ला रहा था तो उसको एक जगह ठूंठ कटा हुआ था। अब ये सब दृष्टांत आजकल नहीं चलेंगे के पैसे कहाँ के, मोबाइल में, मोबाइल में तो कुछ दिखता नहीं है, और सारा कुछ क्या है, सारा बैंक इसमें रखा है, सारा कुछ इसी में रखा है, हैं? तो वैसे तो उसको ठूंठ कटा हुआ था, तो क्या दिखा उसको, धन पास में है, स्वाभाविक है, चोर वोर के भय का संस्कार बुद्धि में बना हुआ है, तो उस कारण से उसको लगा कि कोई ना कोई है, और हो ना हो चोर, कौन है, हवा के चलने की आवाज से पत्ते भी हिले ना, वो पत्ते भी किसने हिलाए, चोर ने हिलाए, चोर है कि भूत प्रेत वालों के यही तो होते हैं, हैं? वो तीन थप्पड़ रख देते हैं ना, अब वो रात को क्या है उस तरह के, उससे सर्दी की गर्मी की उससे वो बजने लग जाती है, हैं वो टीन के पीपे, देखो कितनी तेज आवाज आ रही है, देखो है ना भूत, हैं? बुद्धि में बैठा देंगे। अब भूत किसका है, भय का ही तो भूत है, भ्रम का भय का भूत है। तो वैसी भ्रांति हो गई, और भ्रांति सत्य भास रही है ना सभी को, जीव पना शरीर पना बंधन पना भास रहा है, नहीं भास रहा है, संसार सब भास रहा है ना, किससे भास रहा है, भ्रम से भास रहा है ना,
नकली सुगंध आ रही है, कहाँ से आने लगी है? कितने दूर था वो जो गांव जो जला रहे हैं? अरे वहीं से आ रही पूरा बिल्कुल हमारे वहाँ आई ऐसी आ रही है। ये कैसे संभव है? इतनी दूर तो नहीं आ रही आ रही वहाँ से आ रही यहाँ भी ऐसी आ रही है। चलो अब जैसे भी हो ठीक है, सबका सब क्या है, आदमियों के द्वारा की हुई गंदगी तो है, प्रकृति ने तो किया नहीं है, प्रकृति तो अपने शुद्ध रूप में ही है, लेकिन सारी गंदगी क्या है, दुनिया भर की पॉलीथीन और पता नहीं क्या क्या, अब वो सब से ही क्या हो जाता, वो सब सड़ते हैं, उनसे दुर्गंध है, ऐसा ही है। नहीं तो आप छिलके विलके ये हो खराब होने वाली चीज़ें भी यदि खुले पड़े हो तो उनसे थोड़ा दुर्गंध आती है, यदि वो गीला ना हो और उन चीज़ों के पॉलीथीन वालीथीन का संग ना हो तो दुर्गंध नहीं आएगी ना। चलो लोग कहेंगे कि किसकी व्याख्या चल रही है, ये तो कुछ और ही चल रही होगी। अच्छा जी, क्या समझ आया? तो उसको क्या लगा कि चोर है, भ्रांति होगी ना, डरता है बेचारा, और थैला हाथ में रहा और शरीर गिर पड़ा, भय के कारण से क्या हो गया, अटैक हो गया, क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। अब थैला वहीं पड़ा हुआ है, अब चोर भी तो हुए उठाने वाला उस थैले को, चोर झोंकाते हुए वहीं, ना तो चोर उठा रहा है, जिस चोर से वो डर गए उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। अब उस थैले का ग्राहक, वो थैला पड़ा हुआ है धन का, ये स्थिति, ये स्थिति किसके साथ होती है? ये स्थिति आप सबके साथ यही तो हो रहा है ना, ये भ्रम हो रहा है, यही हो रहा है कि भ्रम के कारण से द्वैत को सत्य मान करके और भयभीत हो रहा है, अशांत बना है और जन्म मरण अनुभव कर रहा है और बंधन अनुभव कर रहा है और लोक परलोक मान करके भयभीत। कौन? आप ही, बिना केवल अविद्या भ्रम से। देखिए क्या बताए, स्थाणो पुरुषवद भ्रांत्या, स्थाणु में क्या भ्रांति कर ली, पुरुष की भ्रांति कर ली, पुरुष है चोर है, पुरुषवद के समान भ्रांति से ब्रह्मणी जीवता भ्रांत्या, ब्रह्म में जीव पने की भ्रांति कर, ब्रह्म में व्यापक में पूर्ण में नित्य मुक्त में अद्वितीय में द्वैत की जीव पने की क्या कर ली है। देख लो सेठ जी, कितने तरीके से आपकी ब्रह्म रूपता, सच्चिदानंद रूपता, नित्य मुक्तता बतला रहे, कितने तरीके से है? क्या बता रहे हैं कि आप ब्रह्म, आप क्या हैं, परम ब्रह्मा सच्चिदानंद नित्य मुक्त आप है, ये बता रहे हैं। पर आप ये देखो, जो संसारियों द्वारा दिया हुआ ज्ञान है ना, वही बुद्धि में बैठा रहता है। संसारियों ने क्या ज्ञान दिया है? ये ज्ञान दिया, तू शरीर है, तेरा जन्म और मरण होता है, हैं? और तू पुरुष स्त्री है, ये तेरा नाम और ये तेरा गांव, ये तेरा कुल गोत्र और पता नहीं क्या क्या, ये ज्ञान दिया ना, ये ज्ञान क्या है, बैठा है बुद्धि में। और जो श्रुति दे रही है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान है वो बुद्धि में बैठ गया, और सत्य ज्ञान
इसीलिए तो पहले पात्रता का संपादन कराते हैं कि सत्य ज्ञान जो है वो ठहर जावे बुद्धि में। सत्य ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान तो यही है कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, ये सत्य ज्ञान। ब्रह्मणि जीवता स्थाणो पुरुषवद भ्रांत्या, जैसे स्थाणों में पुरुष की भ्रांति हो जाती है, इसी प्रकार से ब्रह्म में जीव पने की और विचार के द्वारा, मनन के द्वारा और अनुभूति के द्वारा ये भ्रांति दूर हो जाती है। और ये अनुभूति होती है अद्वैत हूँ, एक हूँ, एकत्व हूँ, केवल हूँ, क्या अनुभूति होती है। और देश काल वस्तु किसी की भी कोई सत्ता नहीं, किसी की कोई सत्ता ही नहीं, सबका सब मुझ में प्रकट जो तरंग विचार है, वृत्ति मन चित्त, सबका सब उसके द्वारा कल्पित है। सबका सब ये समझ में आ जाता है, ये अनुभव में आ जाता है। ये क्या होता है? तो उसके लिए क्या करे जी? समेट करके देखो अपने विचारों को, वृत्ति को, तब ये देखेंगे कि है ही नहीं, अन्य द्वैत नानापना भेद है ही अद्वैत। ये अनुभव में आ जाता है। तो स्पष्ट हो गया ये, ब्रह्म में जीवता भ्रांत्या, ब्रह्म में जीवपना भ्रांति से है। जीवस्य तात्विके रूपे, जीव का जो तात्विक रूप है, जिसको क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, कश्चिन माम वेति तत्वता, तत्वतः माम कश्चिद वेत्ति, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय, माम अव्यक्तम व्यक्तिभाव मापन्नम मन्यन्ते अबुद्धय, बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिभाव मापन्नम मन्यन्ते, क्या समझते हैं? एक व्यक्ति मानते हैं। कौन? अबुद्धया। कौन मानते हैं? बुद्धि। ये तो बुद्धि ने बता दी। और फिर क्या कहा? माम तत्वतः कश्चिद वेत्ति, मुझे तत्व से तो उसी तत्व की बात। जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते, तस्मिन् जीवस्य तात्विके रूपे दृष्टे जीव भावः निवर्तते, जीव भाव दूर हो जाता है। क्या करने से? ठीक तरह से देखने से। हैं? यूं ही देखा, ठीक से नहीं देखा तो पुरुष दिखा, और ठीक तरह से देखते हैं तो फिर पुरुष ने क्या है? ठूठ है। वैसे ही तात्विके रूपे जीवस्य दृष्टे, जीव के तात्विक रूप के देखने से जीव भाव जीवता निवर्तते, वो जीवपना क्या होती है? दूर हो।
समझ आ गया? कितने देर के लिए है? कितने देर के लिए समझ आ गया है कि जितनी देर के लिए आप बोलते रहते हैं उतनी देर तो है? कह जी हमारे पास प्रकाश नहीं है ना, जब तक दीपक जलता है तब तक पुस्तक दिखती है, और दीपक जलना बंद और पुस्तक दिखनी बंद, तो कह जी हम तो पुस्तक की तरह है, हैं? तब तक जब तक दीपक जलता भी दिखती है ना, पुस्तक के पास तो कोई प्रकाश है नहीं। तो वैसे ही जब तक हम बोलते हैं तब तक तो आप ब्रह्म हैं, और बोलना बंद होते ही फिर क्या हो जाते हैं? क्या हुआ भाई, हम ऐसा कह रहे हैं ना आपको, आपके पास भी दीप है नहीं है, और उस दीप में दिया भी है और बाती भी लगी हुई है, दिया बाती भी लगी है ना, तो क्या कर ले, जो हम ज्ञान कहते हैं उस ज्ञान की अग्नि से वो क्या हो जाएगा, वो प्रज्वलित हो गया, और अब बोले ना बोले तो भी, अब तो आपके पास दीपक है ना, आपके पास अंधेरा आ सकता है क्या? स्वयं प्रकाशित हो करके और सबके प्रकाशक कौन हो जाते हैं? आप है? पर आप सोचते होगे ना, ये उधार का खाने की आदत पड़ जाती है ना, क्या आदत पड़ जाती है, उधार का खाने की आदत, तो उसमें क्या है, उसमें यही है, उसमें यही कि जब तक महाराज जी बोल रहे हैं तब तक तो खुद अब विचार नहीं करोगे, खुद अभ्यास नहीं करोगे तो ये उधार का ही रहेगा, नहीं रहेगा है? कभी पुस्तक पढ़ोगे, कभी मोबाइल में सुनोगे, कभी उसमें करोगे, अरे अपने घर में देख ना, घर में ले आ, तो घर में लाना क्या है, ये विचार ये चिंतन निरंतर करके निश्चय हो, और फिर ये अनुभव हो जाए तो फिर क्या है, फिर दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा क्या, दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़ता ना, जब घर में ही खजाना मिल गया फिर अब दूसरे की तरफ क्या देखना, समझ आई बात? हाँ चलो आगे वाला भी देखा जाए। तत्व स्वरूपानुभवात् उत्पन्नं ज्ञानमञ्जसा अहम् अमेति च ज्ञानम् बाधते दिग्भ्रमादिव। तत्वस्वरूप अनुभवाद उत्पन्नम ज्ञानमञ्जसा ज्ञानम अञ्जसा अहम् ब्रह्मे अहम् ममेति च अज्ञानम् बाधते दिग्भ्रमादिवत्। हाँ जी, तत्व स्वरूप अनुभवाद ज्ञान, अपने तत्व स्वरूप के अनुभव से उत्पन्नम ज्ञान, क्या उत्पन्न हुआ है, ज्ञान, अनुभव से उत्पन्न जो ज्ञान, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो ज्ञान पुस्तक में लिखा है उसकी बात नहीं, या जो आप श्रवण कर रहे हैं उसकी बात भी नहीं, या जो आप मनन कर रहे हैं उसकी बात भी नहीं है, ये अलग, अनुभवाद उत्पन्नम, अनुभव होने के पश्चात जो बोध रहता है उसकी बात, समझ आ रही है बात, है तो यही पर वो अनुभूति अलग है, अनुभूति अलग है ना, नहीं है, हाँ वो
अनुभूति अलग है। जैसे जिसने एक बार दर्शन कर लिया है और जिसने दर्शन नहीं किया है, दिख तो दोनों एक जैसे ही रहते हैं ना, दिख ना बोल ना एक जगह रुके हुए है, ठहरे है, खा रहे है, पी रहे, लेकिन अनुभव एक दर्शन कर आया है, एक को भी दर्शन करने, दोनों में भेद है ना। दोनों भले ही एक जगह मिले, एक जगह मिले हैं, एक जगह रहते, एक साथ खाते, एक साथ पीते, लेकिन दोनों के जो निश्चय अनुभव है वो अलग अलग है। वो दर्शन कर आया, उसके अंदर जो संतोष है, जो निश्चिंतता है, वो उसमें है क्या? जो संतोष, जो निश्चिंतता, जो उपरामता है, जो आनंद, जो परिपूर्णता उसमें है, वो उसमें है क्या? नहीं है ना। तो बात उसकी चल रही है, तत्व अनुभव, तत्व स्वरूपानुभवाद उत्पन्नम ज्ञानम। तत्व स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न जो ज्ञान है, अपने तत्व स्वरूप का अनुभव कर लिया, पहले क्या किया? क्या कर लिया? स्वरूप की अनुभूति हो। उसके पश्चात जो बोध बना रहता है ना, जो अनुभूति बनी रहती है, उस अनुभूति के द्वारा है अंजसा, माने शीघ्र से शीघ्र ही, शीघ्र ही क्या होता है? अहम ममेति चा ज्ञानम बाधते। मैं दिग भ्रमादिवत है, जैसे क्या होता है, जैसे दिशाओं का भ्रम हो जाए ना किसी को है, तो वो क्या होता है? भटकता है। और जैसे ही ज्ञान हो जाए, दिशाओं का पता लग जाए, तो फिर वो क्या हो जाता है? इधर से मैं घुसा था, इधर से मैं निकल जाऊंगा, निर्भय हो जाता है ना, सहजता से निकल जाता है। तो वैसे ही कह रहे, अहम ममेति चा ज्ञानम बाधते अंजसा, माने शीघ्र ही तत्व अनुभव से उत्पन्न जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जो अनात्मा में अहमता ममता है, वो अज्ञान के सहित, अहमता ममता का हेतु जीव भाव का जो कारण अज्ञान है, वो अज्ञान के सहित बाधते, उसका बाध हो जाता, वो दूर हो जाता। किसके द्वारा? अपने स्वरूप के अनुभव हो जाने पर। ज्ञान कह दिया मतलब तो वो अनुभूति ही है, अपने स्वरूप की अनुभूति हो। तो अनुभूति हो जाने से अभी तो आपका ज्ञान क्या है? आगम आ पाई है, है? और फिर वो ज्ञान कैसा होता है? अनुभूति जो हो गई है ना, आप दौड़ते हुए भूलते, आप दौड़ते हुए भूलते हो गया कि मैं शरीर हूँ, हैं? खाते हुए भूल जाते होंगे, कभी पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, याद दिलाना पड़ता होगा, हैं? बोलते हुए भूल जाते होंगे, भूल जाते हैं, बनाते हुए तो भूल ही जाते होंगे, भूल जाते हो, कुछ और काम करते हो भूल जाते हो क्या? कि आप शरीर है, बूढ़े है, नहीं, अंतर में तो ये बना रहता है ना, कहीं नहीं भूलते, अंतर में ये दृढ़ बना रहता है, हैं? ये भोजन बनाते बनाते थोड़ा सोचते हो कि नहीं, मैं तो पशु हूं और भोजन जो है मैं पशु के पेट के लिए बना रहा हूं, भूल जाते हो। सब कुछ तो मैं को लेके और शरीर को लेके ही भाग दौड़ कर रहे हैं ना आप, जीव भाव को लेके, शरीर को आदि को लेकर के, तो सब कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते विचारते करते धरते हैं सब कुछ है ना, तो कभी नहीं बोलते। तो वैसे ही जिसको अनुभूति है,
क्या अनुभूति है? ये अनुभूति है कि मैं ब्रह्म नित्य हूँ। तो उसकी अनुभूति निरंतर बनी रहती है, ये बोध, ये अनुभव। तो उस बोध अनुभूति के द्वारा जो जीव भाव था, अहमता ममता थी, उन सब का बाद हो जाता है। क्या रहता है फिर? बस बोध रूप रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। बोध रहता है कि मैं ब्रह्म नित्य मुक्त हूँ, निर्विशेष हूँ, परिपूर्ण हूँ, और सारा का सारा शरीर सहित ये द्वैत मुझ में कल्पित है, मिथ्या। और मैं तो सच्चिदानंद चिदानंद रूप शिवोऽहम्। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्द रूप शिवोऽहम्। अहम निर्विकल्प निराकार रूप, मैं क्या हूँ? निर्विकल्प निराकार, अर्थात शरीर आदि मैं नहीं हूँ, मनोबुद्धि आदि मैं नहीं हूँ। विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सभी इंद्रियों में सर्वत्र सब जगह मैं व्यापक हूँ और सब में समान रूप से विराजमान। सदा मे समत्वम, सदा ही मैं क्या हूँ? समता में स्थित हूँ, ये विषमता मुझ में नहीं, मैं एक रस हूँ। ये परिवर्तन नहीं, ये मुझ में कोई विकार आदि की संभावना नहीं, एक रस। न मुक्ति न बंधा, आपकी मुक्ति नहीं होती, आपकी तीनों कालों में मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होवे उसकी जो बंधन में होवे, आप तो सदा ही क्या हो? अब कोई आपको कहेगी तेरी तो कभी मुक्ति ही नहीं होगी, तो आप क्या सोचोगे? साफ दे दिया तेरी कभी मुक्ति, अरे अच्छी तो बात है, साफ ने दिया, वरदान दिया है, तेरी कभी मुक्ति नहीं होगी, मतलब तू सदा ही मुक्त है भाई, पहले से ही मुक्त है। मुक्ति तो उसकी होवे जो बंधन में होवे, सोचने की बात है ना, सकारात्मक सोच लिया करो, क्या भाई तेरी मुक्ति नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है जी, सतवचन जी, क्योंकि मैं तो सदा ही मुक्त रूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ। न मुक्तिर न बंधा, मुक्ति कहाँ से हो जाए, बंधन ही नहीं है जी। चिदानंद रूप शिवोऽहम् शिवोऽहम्। मैं तो चिदानंद रूप शिव कल्याण रूप। तो देखो जी, बता दिया है तो यही निश्चय रखो और देखते रहो तमाशे, हैं? शरीर के तमाशे को, इंद्रिया प्राण के तमाशे को, मन बुद्धि के तमाशे को, पेड़ पौधे नदी के प्रवाह को, हैं? सूरज चांद के उदय अस्त होने को, हैं? घड़ी की सेकंड वाली सुई के चलने को, मिनट वाली सुई के चलने को, घंटे वाली, सब कुछ तो चल ही रहा है, सबको क्या करो? देखते रहो। और क्या देखते रहो? कि देखने वाला तो सबका, सबको देखते रहो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? देखते रहो ना, है सब बह रहा है और मैं खड़ा हूं केवल, बाकी सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बह, सब कुछ बह रहा है। यज्ञ दृश्यम तत्व,
सब बह रहा है और मैं क्या हूँ, बस खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा। सारी प्रकृति बह रही है, सारा माया का कार्य बह रहा है, सबका सब आभास रूप है, प्रतीति हो रहा है और बस मैं हूँ। तो देखते रहो, कोई दिक्कत है तो निरंतर देखा करो, शरीर को देख रहे, देखते हो, आंखों को देखा करो, कानों को देखा करो, देखते रहो, नाक सबको देखने वाली तो आपको है, सबको देख रहे आप, कान को देख रहे, बाल को देख रहे, नाखून को देख रहे, हाथ को देख रहे, पैर को देख रहे हैं, आंखों को कम दिखने लग गया, कानों को कम सुनने, सब देख रहे हो ना, देखते रहो, देख देख करके राजी राजी होते रहो, या कहीं जितना देखते हो उतनी उदासी आती है कि बुढ़ा बुढ़ापा आ गया भाई, अब तो बिना कान के जीना पड़ेगा है? अरे जैसे शरीर का प्रारब्ध है वो शरीर का है ना, आपका थोड़ा है, उसका भी आनंद लो, आप आनंद लो, आप तो मस्त रहो, ठीक है ना। और शरीर गिर पड़ा और शरीर मर गया तो क्या बिगड़ गया है, कुछ नहीं बिगड़ा ना भाई। कब होता है बिगड़ता, कब है जब इसको मैं मेरा करते, समझ लो, देखते रहो, सब बह रहा है, आप केवल असंग है, साक्षी है, आत्मा है, चेतन है और ब्रह्म है। ये बताना निरंतर, क्या बताओ, साक्षी, चेतन, आत्मा, ब्रह्म, बस। ओम।